दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव ले रहे हैं वो है बाबा अमर सिंह पवन वाले भगत की। जो कहानी आपने सुनी थी उसी का ये अगला भाग है, क्योंकि काफ़ी समय बाद आया है इसलिए कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सी कहानी थी। इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट उस पूरी कहानी का जो है डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अगर फिर भी पढ़ने में समस्या आपको आती है तो आप कुछ दिनों बाद मेरी वेबसाइट पर जा करके यही बाबा अमर सिंह पवन और भगत कथा भाग दो और तंत्र में शुक्रवार के दिन के नाम से आर्टिकल जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि क्या कहानी थी पहले की। हालांकि थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ पहले की। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक लड़की से उन्हें प्रेम भी होता है, उसके बाद फिर कोई भगत होता है उनसे उनकी जो है जिसे कहते हैं कि आपस में लड़ाई हल्की फुल्की हो जाना, और साथ ही साथ वहाँ अमर सिंह पवन की एक कहानी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो वो सब उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया था। अब काफ़ी दिनों बाद उन्होंने भेजा है इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए कि एक ऐसी लड़की के ऊपर जिससे इनका प्रेम संबंध चल रहा था उनको एक भगत हैं जो उन्होंने रोका था कि ऐसा ना करो, और उस लड़की को भी रोका था, इसकी वजह से थोड़ा आपस में अनबन सी थी। तो चलिए जानते हैं कि उसके आगे क्या हुआ, और साथ ही आज जानेंगे कि तंत्र में शुक्रवार के दिन का महत्व क्या होता है। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछने वाले हैं अभिषेक कुमार। तो उन्होंने पूछा कि शुक्रवार के दिन का क्यों महत्व है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पूरा कर लेते हैं कि आज उनके साथ क्या हुआ था, और उनके प्रश्न का जवाब भी दे देते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, और धर्म रहस्य चैनल को देखने वाले सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ऐसे तो ज़रूर लिख लीजिए धर्म रहस्य चैनल को या मुझे मेरा नाम लेते हुए, और इस वीडियो को जो है आर्टिकल को अगर आप प्रकाशित करते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, ये चीज़ें जरूर लिख दिया कीजिए। कई लोग मेरा नाम नहीं लिखते या चैनल का नाम नहीं लिखते तो फिर वो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो इन्होंने आगे लिखा है कि गुरु जी माफ़ करना क्योंकि मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया था इसलिए पत्र भेजने में टाइम लग गया है। अब मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। फिर मैंने जो है इन्होंने जो है उस लड़की के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भगतों और तांत्रिकों के पास जाना इन्होंने शुरू किया, पर इससे परेशानी को कोई समझ नहीं पा रहा था। कई लोगों के पैर पकड़े पर कोई आराम नहीं मिला। हार कर मुझे उसी भगत के पास जाना पड़ा जिसने ये सब कुछ किया था, और मैं जाकर उसके पैरों में गिर गया और रोने लगा। बोला, भगत जी ऐसे ही सजा मत दो हमें। तो वो भगत बोला, तुझे उसे छोड़ना होगा, जिस लड़की की वो बात कर रहे थे कि उस लड़की को आपको छोड़ना होगा। तब तो मैं उसे ठीक करने की सोचूंगा, मैं महाकाल और काल भैरव का भगत हूँ, मैं चाहूँ तो ठीक ठाक आदमी को खाट पे डालकर उसके शरीर में कीड़े भी पैदा कर सकता हूँ, यानी कि उसके शरीर में जो है सड़ा सकते हैं, यानी कि जैसे कीड़े पड़ जाएंगे तो शरीर सड़ ही जाएगा। मेरा तोड़ पूरी दिल्ली मैं जो है किसी के पास भी नहीं है। तब मैं से जो है जोर से फिर उस बात से ये जो है वहीं पर रोने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर भी भीख मांगने लगे जैसे कि कोई मरते टाइम भगवान से मांगता है। उसके पास एक आदमी आया और बोला, गुरुजी अब माफ़ भी कर दो इसे, कोई बात नहीं। पर वो नहीं माना। मैं अपना उतरा हुआ मुँह लेकर घर वापस आ गया और मुझे मेरे एक दोस्त ने किसी भगत के बारे में बताया, उसका बहुत नाम था, और मैं तुरंत ही उस भगत के पास गया। वो उसके पैरों में गिर गया और बोला कि गुरुजी आप मेरी मदद करो। मैं अपनी सारी कहानी बताई तो वो बोला, ठीक है कुछ दिनों तक इंतज़ार करो। मैं बोला ठीक है, और मैं हमेशा उसी के पास ही रहता था, कभी उसके पैर दबाता था तो कभी उसके जूते भी साफ करता था, और वो कभी कभी मुझ पर अपना गुस्सा भी उतारता था। ऐसे चलते चलते लगभग एक महीना बीत गया। उसके बाद मैं फिर उसी भगत के पास गया जिसने ये सब कुछ किया था, और मैं बोला कि उस लड़की को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पर उसने बोला कि मेरी अभी भी वही शर्त है, और मैंने बोला ठीक है अब तुझ में जितनी भी ताकत है वो लगा ले। ऐसा बोलकर मैं अपने घर वापस आ गया और आकर के फिर सो गए। कहते हैं कि मेरी अचानक से आँख लग खुली तो मैंने देखा कि दरवाजे पर एक काले कपड़ों में बड़ी डरावनी औरत खड़ी है,
उसे देखकर मैं पसीने छूट गए और मैं अपनी रजाई में छुपकर अपने कुल देवी और देवताओं को याद करने लगा। फिर मेरी आंखें लग गईं। मैं जब सुबह उठा तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और जहां मूलाधार चक्र होता है वहां पर काफ़ी बड़ा फोड़ा हो गया जिसमें भीषण दर्द हो रहा था। फिर मैं उन्हीं गुरुजी के पास आ गया जिनके मैं पैर वगैरह दबाता था, तो मैंने उन्हें सारी बातें फिर बताई तो उन्होंने मुझे नीली छतरी जाने को कहा जहां 5 भैरों का स्थान है। मैं उनसे हाँ कहकर अपने घर की ओर वापस आ गया। घर आते ही मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे बुखार भी आ गया। मैं एक वीक तक बुखार में था, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब नीली छतरी जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वहां जाकर मैंने प्रसाद चढ़ाया और घर के लिए निकल गया। घर तक पहुंचा ही था कि देखा कि ना तो मुझे बुखार है और ना ही वो फोड़ा बिल्कुल गायब हो गया है, यानी जो फोड़ा इनके शरीर में पीछे की साइड निकल आया था वो पूरी तरह से खट चुका था। तभी मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें बताया। फिर उन्होंने मुझे एक साधना बताई जो कि नथिया चौकी की थी। नथिया चौकी देवी की शायद उनकी कोई साधना है, जिसमें मुझे जो कि एक आटे में जो है चमेली के तेल और इत्र कस्तूरी को मिलाकर एक पुतला बनाना होता था और पुतले को पूरा श्रृंगार करवाना होता है। करने के बाद में उस पुतले के सामने रख कर 21 दिनों तक साधना, मतलब उसको आपने सामने जो है रखना होता है, रखने के बाद उसकी 21 दिनों तक साधना करनी होती है। साथ में रोज हवन भी करना होता है जिसमें इमली इंद्र और सामग्री जो है 5 बतासे 1 लौंग का जोड़ा डालना था और सुबह काव यानी कि गाय को रोज 5 आटे की लोइयां खिलानी होती थी। इस साधना में अनुभव तो बहुत हैं पर मेरे पास टाइम की बहुत कमी है सर। मैं एक पैर पर खड़ा होकर इस साधना को करने लगा। आखिरी दिन मुझे सपना आया और उस सपने में मैंने पीली साड़ी पहने हुई एक औरत थी वो देखी, मतलब पीली साड़ी इन्होंने पहन ली थी खुद स्वयं ही और अपने आप से ही पूछ रहे थे कि अब बता तुझे क्या चाहिए, पर मैंने कुछ नहीं मांगा था और नहाकर अपना साधना ख़त्म की थी। मैं फिर उस लड़की से मिला और उस लड़की के सर पर हाथ रखा और उस देवी को याद किया जो मुझे मंत्र बताया गया था। उस मंत्र का जाप किया, फिर एक धागा बनाकर उस लड़की को दिया। कुछ टाइम के लिए वो ठीक होने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद हमें अपना परिवार वालों को इस बात के लिए मना लिया जो कि प्रेम विवाह के लिए कह रहे हैं। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी वाइफ को 21 दानों से जिंद लाता जो है जो की जाती वो की थी, उसके बाद बिल्कुल वो ठीक हो गई। अब ये परेशानी दोबारा से हो गई है। 3 साल बाद मेरा एक बेटा भी हुआ है, 2 साल का है इस समय। गुरुजी अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेरा ये सिर्फ़ और सिर्फ यही सवाल है कि मेरी पत्नी को ये परेशानी कैसे ठीक होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। अब तो सिर्फ आप ही आखिरी जरिया हो मेरे लिए और बहुत सालों से इन चीज़ों को मैं भुगत रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कि आप परेशानी जो भी कोई आती है तो उस परेशानी का हल भी साथ ही साथ आता है। जो आपने पहले किया था सिर्फ अब आपको वही करना है, वही प्रक्रिया करनी है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो वही प्रक्रिया दोबारा कीजिए और अगर आपकी पत्नी को परेशानी हो रही है तो वही प्रक्रिया वो भी वही करे। तो जो विधि आपके गुरु ने उस भगत जी ने बताई थी जिसमें आपने वो देवी को साधना की थी वही साधना आपको फिर से करनी है 41 दिनों वाली और वो अपनी पत्नी से करवा लीजिए तो उसके अंदर भी वही ऊर्जा और शक्ति आ जाएगी जिसकी वजह से जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं या परेशानी दोबारा से आ रही हैं वो नष्ट होने लग जाएंगी और उसको फिर से वही सिद्धि मिल जाएगी। आपको अपने आप को जिस तरह से देखा था पीली साड़ी पहने, असल में वो देवी का स्वरूप हो गए थे आप। जैसे कहते हैं ना कि हम कोई साधना करते हैं तो हम जैसे देवता की साधना करते हैं उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं, इसीलिए आपने स्वयं को पीली साड़ी पहने हुए देना तो देवी के रूप की शक्तियाँ आपके अंदर आई और आपसे फिर पूछने लगी, आपकी आत्मा से पूछने लगी कि क्या आप परेशानी है। तो आपने कहा कुछ नहीं, उनसे मांगा ही नहीं तो वो समझ गई कि आपको क्या देना है और उन्होंने दिल खोल करके फिर वो समस्या को हल करने की शक्ति आपको दे दी। जब आपने पत्नी जो आपकी भावी पत्नी थी उस समय होने वाली थी उनके ऊपर जब आपने हाथ रखा तो वो समस्या से निकल गई बाहर और
वो उस चीज़ से उनका असर हट गया। तो यही चीज़ जब आपके हाथ रखने से हो सकता है, यानी कि ऊर्जा आपने ही अपने अंदर से दी है और वो ऊर्जा उस साधना की ऊर्जा थी जिस साधना को आपने किया था। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहें तो वही साधना स्वयं करिए और फिर अपनी शक्ति और ऊर्जा अपनी पत्नी को दीजिए, या फिर उन्हीं से वो साधना करवा लीजिए जो साधना आपने की थी, क्योंकि उसका विधि विधान भी आपको पता है और आप गुरु बन करके अपनी पत्नी को वो साधना करवा सकते हैं। तो आप वो साधना उनको करवा दीजिए, वो साधना वो कर लेंगी तो उनके अंदर वही ऊर्जा आ जाएगी, तो इस तरह की समस्या जो पहले उनके साथ घटित हुई थी अब दोबारा नहीं होगी, जिससे वो इस परेशानी से वो पूरी तरह से बच जाएंगे। तो ये बहुत ही सरल विधि है, आपको वही करना जो आपने पहले किया था, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब अभिषेक कुमार जी का एक प्रश्न पढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है। तो उन्होंने पूछा है कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी सबसे ज़्यादा तंत्र प्रयोग भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी बहुत इसी तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, तो ये ज़्यादातर शुक्रवार के दिन क्यों होते हैं? क्या गुरुजी इसी दिन सब मसानी क्रिया वगैरह तंत्र प्रयोग सब वगैरह किया जाता है या होता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहली बात देखिए, शुक्रवार को ही परिसाधना शुरू की जाती है, शुक्रवार के दिनों से ही अप्सराएं साधना होती, शुक्र ग्रह जो है तंत्र साधनाओं के लिए अच्छा माना जाता है। तंत्र साधनाओं से मतलब है कि आप किसी भी तरह की तांत्रिक साधनाएं उस दिन से शुरू कर सकते हैं और वो उतनी तामसिक भी नहीं होंगी, तब भी आपका काम कर जाती हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह असल में जैसे आप जानते हैं शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह जो है वो तामसिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही साथ वो यानी राक्षसों के गुरु हैं और दानवों के गुरु हैं, सभी शक्तियों के वो गुरु हैं जो देवताओं से अलग शक्तियां हैं उनके सबके गुरु हैं। हालांकि देवी शक्तियों की उपासना भी शुक्रवार को की जाती है, वो भी उतना ही फल देती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह जो है भौतिकता का प्रतीक है, यानी अगर भौतिक समृद्धि सुख चाहिए, दुनियादारी के जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं, तो शुक्र ग्रह दुनियादारी की सारी चीज़ें देते हैं, तो इसीलिए भी शुक्रवार के दिन से साधना की जाती है, क्योंकि कोई इच्छा होती है धन की उपासना की, धन प्राप्त करने की, वैभव संपन्नता, इस तरह के सुख जितने हैं दुनियादारी के जितने भी सुख हैं, दुनिया में जितने भी हम भौतिक संसाधन मानते हैं, भौतिक चीज़ों की वृद्धि के लिए किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, वो सारे तांत्रिक क्रियाएँ क्रियाकलाप हम शुक्रवार से कर सकते हैं। भूत प्रेतों का भी आप कर सकते हैं और दाकनी शाकनी ये सब, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है, उसके पीछे जो असली उद्देश्य होता है वो होता है सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति, सांसारिक शक्तियों की प्राप्ति, तो ये सब कुछ शुक्र देव देने में समर्थ होते हैं, इसलिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है इन सब कामों के लिए। करने को आप शनिवार का दिन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भयंकर तांत्रिक क्रियाओं के लिए होता है, खासतौर से मारण क्रिया के लिए, क्योंकि शनि ग्रह देव जो है वो मारने का जो है मूल रूप से कार्य करते हैं, तकलीफ देने का, परेशान करने का, क्योंकि मारण ग्रह के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं बिना शनि की आज्ञा से कोई किसी को मार ही नहीं सकता है, इसलिए वो शनिवार का दिन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह सब ग्रहों के अलग अलग महत्व है, लेकिन शुक्रवार का दिन मूल रूप से भौतिक संपन्नता, शक्तियाँ, सिद्धियाँ और इस तरह की चीज़ों के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि अगर परिसाधना शुरू कर रहे हैं या फिर अप्सरा साधना शुरू कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार का दिन ही चुनना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख संपन्नता और काम सुख, यानी कि जिसको हम सेक्स कहते हैं, सक्स सांसारिक सुखों में सबसे ऊपर इसको रखा जाता है, काम सुख के नाम से जाना जाता है, इसके भी जो ग्रह के अधिष्ठाता देवता हैं वो भी शुक्र होते हैं, इसलिए शुक्र का अर्थ भी देखिए शुक्र से अतिरिक्त होता है, यानी शुक्र जिसको हम वीर कहते हैं वो भी उसका ही अर्थ माना जाता है। तो इस तरह से शुक्र जो है वो सभी प्रकार की भौतिकता, संपन्नता, सिद्धियाँ, शक्तियाँ देने वाला दिन और ग्रह होता है, इसी कारण से इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है और इसी दिन से बहुत सारी साधनाएं शुरू की जाती हैं। अगर आपको भौतिकता चाहिए तो निश्चित रूप से शुक्रवार से ही शुरू करना चाहिए, और कहते हैं अगर आध्यात्मिकता चाहिए तो आपको गुरुवार से भी आप शुरू कर सकते हो साधनाएं। तो अलग अलग दिनों से अलग अलग प्रभाव और असर पड़ता है, इसलिए आप कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, शुक्र पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह है, इसीलिए इसका प्रभाव भी जल्दी पड़ता है शरीर के ऊपर और जल्दी भौतिकता की प्राप्ति भी शुक्र ग्रह कराते हैं। शुक्र ग्रह की साधना कर ली जाए अगर किसी साधना से पहले तो भी उसका साधना में सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बहुत से तंत्र शक्तियों का हम प्रयोग जान सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं, उनकी चीज़ों को जान सकते हैं। तो
इसीलिए शुक्रवार का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णशाली माना जाता है और शुक्र के से प्रभावित व्यक्ति जो है भौतिकता अवश्य ही प्राप्त करता है। जिसका शुक्र बलवान होता है वो जीवन में भौतिक सुख अवश्य प्राप्त करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह कमज़ोर हो जाएंगे तो सब शुक्र ही दे देगा, लेकिन निश्चित रूप से शुक्र की ताकत अलग ही होती है और इसीलिए भौतिक जीवन में अगर सुख संपत्ति आपको प्राप्त करनी है तो आपका शुक्र बलवान होना जरूरी है। चाहे तो आप उस साधना के द्वारा भी उसे बलवान बना सकते हैं और या फिर शुक्रवारी साधनाओं के द्वारा भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं या सुखों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये था आज के अनुभव और साथ ही साथ प्रश्न कि शुक्रवार क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को मेरे जरूर लाइक कर लें ताकि वहाँ पर हम जो टारगेट रखे हैं उसको पूरा कर सकें जल्दी से जल्दी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।